इस नए वीडियो में लेके आए हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इसको अच्छे से या डीपली एनालिसिस करने के लिए आप मेरे से पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको बिजनेस के पहले बिजनेस क्यों हुआ ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब मीनिंग में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि मीनिंग क्या होता है बिजनेस का। जब हम कोई भी वर्क में गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है बिजनेस कहलाती है, ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में क्या प्रेजेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग करना ही बिजनेस है, क्या प्रेजेंट में सेल्फ प्रोडक्शन करना बिजनेस है या सिर्फ अर्निंग करना बिजनेस है। तो ये हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में जब बिजनेस का मीनिंग लिया जाता है तो उसमें तीन बातें और इन्वॉल्व हो जाती है। एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना इतना इजी टास्क नहीं होता है क्योंकि प्रेजेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, आप सब देख रहे हो। इसमें हम लोग मॉडर्न टर्म में ये चीज भी ऐड करते हैं, क्रिएटिंग कस्टमर। क्या है क्रिएटिंग कस्टमर? कोई भी दुकानदार चाहेगा या शॉपकीपर चाहेगा कि मेरे यहाँ नए नए बिजनेस नए नए कस्टमर्स आए, डेली नए नए कस्टमर्स आए, जिससे कि कंटिन्यूसली उनकी पॉपुलरिटी या उनका अर्निंग या उनका जो मेन मोटो है अर्निंग करना वो इंक्रीज होता चले जाए। कोई भी कंपनी चाहती है कि डेली उसका टर्नओवर इंक्रीज हो, डेली वो जितना कमा रही जितना अर्निंग हो रहा है उससे डबल हो जाए, ग्रोथ हो जाए। तो इसके लिए क्रिएटिंग कस्टमर भी बिजनेस का मेन पॉइंट बन चुका है। इसलिए मॉडर्न टाइम में हम लोग क्रिएटिंग कस्टमर को भी ध्यान में रखकर बिजनेस करते हैं। सेकेंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जिस प्रोडक्ट से कस्टमर जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, जिस सर्विसेज से कस्टमर जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कस्टमर क्या चाहता है? उसको बेटर क्वालिटी मिले, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो और उसकी यूटिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाए। तो ये देखने के लिए भी बिजनेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी परचेसिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है या जिस प्रकार से प्रोक्योरमेंट करवा रहा है, वो सभी प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स होना चाहिए बिजनेसमैन के पास, तभी वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है। थर्ड आता है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंटिन्यूसली हम लोग देखते हैं मार्केट में हर प्रकार के प्रोडक्ट डेली नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते जा रहे हैं, जिसमें की ज्यादा यूटिलिटी है, जिसमें की ज्यादा उपयोगिता है। तो कस्टमर कोई भी कस्टमर ये चाहता है कि मैं एक प्रोडक्ट खरीदूं और मेरे चार काम हो जाए, तो उस प्रकार से एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारी यूटिलिटी है, उससे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कस्टमर को, उस प्रकार से प्रोडक्ट को नए नए तरीके से डेवलप किया जाता है, नए नए तरीके से उसकी शेप में, डिजाइन में, उसकी वैरायटी में, सभी चीजों में चेंजेस लाए जाते हैं। तो ये तीनों टास्क भी कौन करता है? बिजनेसमैन कंप्लीट करता है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए बिजनेसमैन, कैरेक्टरिस्टिक नेचर कैसा होना चाहिए कि हम उसको बिजनेस बोलेंगे? तो सबसे फर्स्ट और मेन में आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी बिजनेसमैन लॉस के लिए रिफंड नहीं किया जाता है। कोई बिजनेसमैन ये नहीं सोचता है कि मुझे लॉस हो, वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न करने के मोटो से ही क्या करता है, वर्क करता है। तो ये क्या बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मेन टाइप है, एक मेन प्रकार है कि एक बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी सभी प्रकार का मटेरियल बना रही हो, उसके लिए उसे बहुत सी चीजें प्रोक्योरमेंट यानी उपलब्ध करवानी पड़ती है। हम लोग जब होलसेलर क्या होता है, होलसेलर एक लिंक होता है जो कि कंपनी से मटेरियल लेकर रिटेलर का क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करवाता है, उपलब्ध करवाता है, जिससे कि माल या गुड्स या सर्विसेज इजिली क्या हो जाए, हैंड ओवर होती चली जाए और लास्ट कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाए। तो बिजनेस क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट है गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस में आप लोगों को इसके पहले वीडियो में डिफाइन कर चुकी हूँ कि जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली उसको छू सकते हैं, वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। सर्विसेज को सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैंने सिनेमा हॉल का बताया था कि सिनेमा हॉल में हम जब 3 घंटे की मूवी देखते हैं वो हमारे लिए सर्विस होती है। जब हम ट्रेवलिंग करते हैं और फेयर देते हैं, किराया देते हैं बस कंडक्टर को, तो वो हमारी सर्विसेज होती है। बट हम क्लॉथ परचेस करते हैं, शूज परचेस करते हैं, वो हमारे गुड्स होते हैं। तो ये सभी चीजें प्रोडक्शन फील्ड से या प्रोडक्शन एरिया से कस्टमर तक पहुंचाने की ड्यूटी जो होती है वो भी बिजनेसमैन की होती है, वो भी बिजनेस कहलाता है। थर्ड आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस। कोई भी प्रोडक्शन हो वो किस लिए किया जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा, उसी गुड्स को या सर्विस को हायर करेगा, जिससे कि उसको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। हम शूज लेने क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है।
हम क्लोथ लेने क्यों जाएंगे? क्योंकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। हम अनाज लेने क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन भी उसी चीजों का किया जाता है, जिससे कि सेटिस्फेक्शन हो सके ह्यूमन वांट्स का। फोर्थ पॉइंट आता है बेसिक रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस बिजनेस में कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस होती है, जो कि रेगुलर बेसिस पे चलती चली जाती है। कोई भी शॉपकीपर ये सोच के बिजनेस नहीं करता है कि उसे एक साल में खत्म करना है, बस ये टास्क कंप्लीट हो गया खत्म करना है, या बिजनेस बंद करना है, शॉप बंद करना है, वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। सपोज आपकी मदर कभी टिफिन सेंटर चला रही है तो कंटिन्यूसली चलाएंगे तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस कहलाएगा, लेकिन कभी उन्होंने दो या तीन दिन चलाया और क्लोज कर दिया बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कभी आप 10th क्लास से 11th में आए हो और आपने आपके सेकंड हैंड बुक्स सेल कर दिए, तो आपने क्या करा है? बिजनेस किया है? नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये सिंपल एक एक्टिविटी है, आप वन टाइम आपने परफॉर्म किए। लेकिन बिजनेस क्या कहलाएगा? जो सेकंड हैंड बुक्स का कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है। मार्केट में बहुत सी ऐसी शॉप होती है जो कि सेकंड हैंड बुक्स को परचेसिंग एंड सेलिंग करती है, तो वो उनका बिजनेस है, बट आपके लिए वो बिजनेस नहीं होगा। आपने आपकी पुरानी बाइसिकल सेल की है, वो आपके लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने वन टाइम एक्टिविटी परफॉर्म की है। लेकिन जहाँ पे पुरानी साइकिल हमेशा से या रेगुलर बेसिस पे परचेसिंग एंड सेलिंग की जाती है, वो क्या होगा? उनके लिए बिजनेस कहलाएगा। तो रेगुलर बेसिस होना चाहिए, कंटिन्यूसली परफॉर्म होना चाहिए, उसका मेन मोटिव अर्निंग होना चाहिए। फिफ्थ आता है प्रॉफिट अर्निंग। हम हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमारी मनी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, इसलिए इसका मेन मोटो भी क्या होना चाहिए? अर्निंग होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। बट वो अर्निंग कैसा होना चाहिए? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए, उनको बेटर क्वालिटी मिनिमम कॉस्ट पर देते हुए हम लोग हमारा प्रॉफिट अर्निंग का मोटो कंप्लीट कर सकते हैं। सिक्स आता है अनसर्टेनिटी रिस्क। बिजनेस में तो सबसे ज्यादा रिस्क होती है। कभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करें टाइप्स की, तो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा रिस्क देखें तो हमको सबसे ज्यादा रिस्क बिजनेस में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम हमारा बिजनेस जितना ज्यादा हाई लेवल पे सेटअप करेंगे उतने ज्यादा हमको कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। कैपिटल का मीनिंग होता है पूंजी, है ना? 10th तक आप लोग कैपिटल का मीनिंग राजधानी पढ़ते आए हो, लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा रिस्क होता है। तो बिजनेस में हम लोगों को एक शॉप चाहिए। सपोज हम शॉपकीपर बनना चाहते हैं, बिजनेस में आपको एक शॉप चाहिए, हायर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेंट लगेगा, वहाँ पे फर्नीचर बनाना पड़ेगा, हमको रॉ मटेरियल लगेगा, हम लोगों को एक वर्कर चाहिए। ऐसा बहुत सा सेटअप करने के लिए हमको कैपिटल हाई रिक्वायरमेंट होती है। बट फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्शन, फ्यूचर का कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी होती है। हम बहुत से इस कभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस साल क्या हुआ है कोरोना के कारण जितने बिजनेसमैन है उन लोगों को लॉस हुआ, उनको नहीं पता था कोरोना हो जाएगा, तो जितने भी उनका सीजन का टाइम, आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास के सीजन का टाइम चले गया। क्या होता है सीजन का टाइम? शादी ब्याह, गणगौर या कोई भी फेस्टिवल का टाइम, जिस टाइम पे वो लोग ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अपने पास अवेलेबल करवाते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। वो सभी चीजें क्या हो गई उनके लिए? प्रॉफिट की जगह लॉस में चेंज हो गई। लेकिन हम लोगों ने या कोई बिजनेसमैन ने फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी फ्यूचर में हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए ये पूरी तरीके से अनसर्टेन है, क्योंकि बिजनेस इस पर डिपेंड करता है पूरे तरीके से फ्यूचर पे। कभी फार्मर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फार्मर ने सोचा कि इस साल खेती अच्छी होने वाली है, फसल अच्छी आने वाली है, बट हो सकता है पानी नहीं आए, या हो सकता है ज्यादा पानी आ जाए, क्योंकि ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, इसलिए पूरी तरीके से क्या है इसमें अनसर्टेनिटी होती है रिस्क की, इसलिए बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क माना जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा बिजनेस की मीनिंग, किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेसिंग, सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो बिजनेस में काउंट होती है। मॉडर्न टाइम में हम बिजनेस को देखते हैं कि कस्टमर क्रिएट करना, नए नए कस्टमर को अवेलेबल करवाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, नए प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाना, नए नए प्रोडक्ट के साथ में पुराने प्रोडक्ट में भी नए तरीके से चेंजेस लाना, हमारा बिजनेस कहलाता है। बिजनेस के नेचर में हमने पढ़ा कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस हमेशा कस्टमर के पास इक्वली बने रहे ये देखते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स हम सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क सबसे हाई लेवल पे होता है बिजनेस में। इस प्रकार से हमने आज हमारा बिजनेस का टॉपिक कंप्लीट किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।